गोलू के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हरे टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। हरे टमाटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें डालेंगे 3 से 4 कटे हुए हरे टमाटर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां और 1 टुकड़ा अदरक का। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 10 से 12 कटी हुई हरी मिर्च और ये मध्यम तीखी हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन की बनी गांठिया, जो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी, स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब इस चटनी को हम रफली क्रश करेंगे, इसकी बारीक पेस्ट नहीं बनानी है। चटनी को हमें बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है ताकि हमने जो इसमें सामग्री डाली है उसका रियल टेस्ट हमें आ सके। चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम 3 से 4 चम्मच तेल को गरम कर लेंगे और इस गरम तेल को हम इस चटनी के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बनकर तैयार है कच्चे टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।